अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग एक आइसोलेशन फेज के अंदर हैं। कोरोना की वजह से वी नीड टू बी आइसोलेटेड। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। वी हैव विद अस फरहान रशीद खान फ्रॉम दमाम सऊदी अरेबिया, हु इज आल्सो वर्किंग फ्रॉम होम। ही इज एन ऑपरेशन मैनेजर एट अ प्राइवेट फर्म। तो फरहान से समझते हैं कि वो किस तरीके से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करने में। थैंक यू इजाज, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आपने मुझे कॉल पे लिया और मेरे व्यूज अपने व्यूज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हालात अच्छे, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हैं। सारी शॉप्स वगैरह जो टाइमिंग उन्होंने दिए हैं उस टाइम पे खुलती और करते हैं। ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है, हर चीज़ अवेलेबल है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ मार्केट में कोई शॉर्टेज हुई है। सो दिस इज वेरी गुड। हाँ, जस्ट फॉर सेफ साइड वी ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम। मैंने भी अपने ऑफिस में सब लोगों को वर्किंग फ्रॉम होम की इंस्ट्रक्शन दे दी हैं। वी हैव हम लोग तो बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग खुद IT कंपनी है, तो हमारे पास 2-3 डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, जिसके अंदर डेली हमारी कहते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो रही हैं, वीडियो मीटिंग भी हो रही हैं। जस्ट वी आर फेसिंग अ लिटल स्मॉल प्रॉब्लम के अब क्योंकि एवरीबडी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, तो इसकी वजह से होम इंटरनेट गेटिंग स्लो। यानी नॉर्मली अगर आप समझें कि नॉर्मल डेज के अंदर हमें 20-25 स्पीड मिलती थी MBPS, तो अभी जो है तकरीबन अराउंड 10-11 मिल रही है। सो ऑलमोस्ट 50% इंटरनेट स्पीड जो है कम है, बैंडविड्थ कम हो रही है। ओवरलोड तो एक कॉमन सेंस की बात है कि लोड बढ़ गया है, एवरीबडी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, तो इसकी वजह से लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन ओवरऑल एवरीथिंग इज़ फाइन। रोज़ की मैं घर से काम कर रहा हूँ, अभी भी आप देख सकते हैं मैं घर पे भी बैठा हूँ, लेकिन घर से एवरी डे हम 2-3 मीटिंगें कर रहे हैं, जिसमें 1-2 मीटिंगें हमारे ऑफिस वालों की होती है और 2-3 मीटिंगें एक आध मीटिंग कभी कस्टमर के साथ, कभी वेंडर के साथ। तो क्या टूल्स यूज करते हैं आप मेनली मीटिंग्स वगैरह के लिए? हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, उसके अलावा हम लोग करते हैं एक थर्ड पार्टी टूल्स एक और यूज़ कर रहे हैं 3CX, और उसके अलावा हमारे ऑफिस में सिस्को लगा हुआ पूरा, सिस्को जैबर एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, दैट्स ग्रेट। आप काफ़ी प्रोफेशनल टूल्स यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑफ कोर्स आप उसकी कोई सब्सक्रिप्शन फी पे करते होंगे। हमारे व्यूअर्स के लिए बता सकते हैं कि कोई छोटी फर्म्स हैं वो कोई फ्री टूल्स इस तरह के जो यूज कर सके मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंसिंग के लिए? अगर आप करते फ्री में बात करें, मेरे ख्याल में जूम भी फ्री है, उसके अलावा स्काइप यूज कर सकते हैं आप, ईमो यूज कर रहे हैं अभी, आप मैंने देखा है काफी लोग ईमो भी यूज करते हैं, बस उनमें ये होता है कि एड्स बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन ये कि इट्स डूएबल, यानी आवाज भी साफ होती है, प्रॉब्लम नहीं होती, आवाज क्लियर होती है, रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती, तो ईमो इज ए गुड टूल। उसके अलावा स्काइप अच्छा टूल है। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे वीडियो एंड वॉइस ब्लॉक्ड है, तो वहाँ पे आपको कहते हैं पेड टूल यूज करने पड़ते हैं, जैसे जूम है या माइक्रोसॉफ्ट टीम है या सिस्को जैबर है, वेब मीटिंग है, तो ये आपको पेड टूल यूज करने पड़ते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आप ये फ्री टूल स्काइप और ईमो वगैरह नहीं यूज कर सकते। अच्छा, आप बीइंग ऑपरेशन मैनेजर, आप क्या देखते हैं कि इस तमाम सिनेरियो में, लाइक एटलीस्ट हम बात कर रहे हैं कि 2 हफ्ते के लिए विल बी इन आइसोलेशन, तो इन 2 हफ्ते का असर हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, हमारे जो बिजनेस गोल्स हैं वो किस हद तक इफेक्ट होंगे, या ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन जो है वो किस तरीके से मुतासिर होगी? ये सब चीज़ें होती हैं कि अगर कोई ये कहता है कि हमें बिजनेस इफेक्ट नहीं हो रहा, तो यकीन है वो गलत बात है। एवरीबडी विल इफेक्ट फाइनेंशली भी और वर्क वाइज, जैसे अब हम ऑपरेशन के अंदर है, हमारा काम कभी कभी ऑन साइट होता है, यानी 70% हमारा काम ऑन साइट होता है, 30% हमारा रिमोट काम होता है, क्योंकि अगर फिजिकल कोई इंस्टॉलेशन है तो उसके लिए साइट पे जाना जरूरी है। अभी हम लोग कहीं साइट पे नहीं जा रहे, कोई भी ऐसा काम जो स्केड्यूल करना है, जो न्यू स्केड्यूल है, वो नहीं जा रहे, ओनली ऑपरेशन इमरजेंसीज के लिए ही जा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी की साइट डाउन हो गई है और उसका काम नहीं चल रहा, तो फिर हम लोग ऑन साइट जा रहे हैं, वरना नहीं जा रहे, वरना हर एक को रिमोट सपोर्ट ही दे रहे हैं, लेकिन साइट पे जाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप रिमोट काम ही नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको साइट पर ही जाना होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ पे आपको साइट पर ही जाना होता है, तो वो चीज़ अलग है, तो उसको इफेक्ट हो रहा है। न्यू इंस्टॉलेशन
कोई भी न्यू इंस्टॉलेशन को स्केड्यूल नहीं कर रहे, हर चीज को दो टू वीक्स का टाइम दिया है, डिले दिया है, कहते हैं कोई भी चीज इम्पोर्ट नहीं हो रही, जो मटेरियल आना था वो नहीं आ रहा, सब कुछ ऑन होल्ड है। ठीक है, थैंक यू सो मच फरहान फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग योर व्यूज। थैंक यू इजाज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो गाइस, फरहान वाज विद अस फ्रॉम दमाम और इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, स्काइप को और जूम को यूज कर सकते हैं प्रीवियर के हवाले से। तो प्लीज स्टे एट होम, अगर आपको बहुत जरूरी जाना ही पड़ रहा है तो वो चंद अफराद हो जो कि बाहर ऑन साइट जाके काम कर रहे हो, जितना आप उसको डेफर कर सकते हो इन हालात में वो ज्यादा बेहतर है। और आपको किसी भी किस्म की सलाह मशवरा चाहिए हो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए या अपने ऑपरेशन शेयर करके कि भाई ये प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं और इसको कैसे आप टैकल करें, तो आप हमसे बिल्कुल रजू कर सकते हैं। प्लीज बी सेफ, प्लीज बी आइसोलेटेड। अल्लाह हाफिज़।